हाय, मैं हूँ वृशाली। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही सीरियस विषय पर बात करने वाले हैं। अभी बहुत से स्टेट्स में स्टैंडर्ड 10th और स्टैंडर्ड 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो हमेशा रिजल्ट के एक थोड़े दिन पहले, नहीं तो रिजल्ट के बाद, हम एक बहुत ही सीरियस न्यूज़ पढ़ते हैं कि थोड़े स्टूडेंट्स रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के डर से, नहीं तो रिजल्ट से निराश होके सुसाइड करते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो ये सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करते हैं बच्चे? क्यों ये डिसीजन पे क्यों पहुंचते हैं? जब उनको लगता है कि हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे लाइफ का कुछ भी मीनिंग नहीं है, हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते, बस हमारा लाइफ अभी फेल हुआ है, मार्क्स अच्छे नहीं आए, हमारा लाइफ खत्म। तो जब उनके मन में ये बात दृढ़ हो जाती है, तब ये बच्चे सुसाइड करते हैं। तो एक्चुअली ये बहुत ही सीरियस विषय है। तो इसके विषय में मैंने थोड़े दिन पहले एक कहानी पढ़ी थी, बाणभट्ट की। जिनको संस्कृत का थोड़ा बहुत भी अगर ज्ञान है, तो उन्होंने ये नाम जरूर सुना होगा। बाणभट्ट का संस्कृत लिटरेचर में बहुत ही बड़ा योगदान है। संस्कृत लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान, इसका मतलब वो बहुत ही ज्ञानी थे। लेकिन क्या आपको मालूम है उनका बचपन कैसे गुजरा? वो बचपन में कैसे थे, पढ़ाई में कैसे थे, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आज आपको बता दी हूँ। बाणभट्ट जब छोटे थे, तब आज जैसे स्कूल्स होते हैं, उस वक्त उस समय ऐसा स्कूल सिस्टम नहीं था, गुरुकुल सिस्टम था। बच्चे वहीं थोड़े साल गुरुकुल में रहते थे, सभी काम अपने आप करते थे, पढ़ाई उनकी होती थी गुरुकुल में। थोड़े सालों के बाद जब उनकी शिक्षा पूर्ण होती थी, तब उन लोगों को अपने घर भेजा जाता था। तो उस समय का ऐसा ये गुरुकुल सिस्टम चलता था। बाणभट्ट जब गुरुकुल में गए, जब उनका एडमिशन बोलेंगे हम, गुरुकुल में हुआ, उस समय वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उनका जो भी उनको पढ़ाई दी जाती थी, जो भी उनको अभ्यास दिया जाता था, वो बिल्कुल नहीं कर पाते थे। तो इसलिए गुरुकुल के जो भी बच्चे थे, रोज उन पे हंसते थे, क्या कुछ भी नहीं आता तुमको, क्या दिमाग में पत्थर भरे है क्या, ऐसा करेगा तो क्या करेगा लाइफ में, ये तो बच्चा कुछ काम का नहीं है, आगे जाके तो ये कुछ भी नहीं करने वाला है। और ये रोज ऐसा होता था। जब भी कुछ प्रश्न गुरुजी पूछते थे, बाणभट्ट उसका उत्तर नहीं दे पाते थे। तो ऐसे रोज रोज उनके दोस्तों से ऐसे बातें सुन के बाणभट्ट एकदम निराश हो गए। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारा लाइफ, मेरा आयुष्य किसी काम का नहीं है, चलो इसे खत्म कर देते हैं। तो ये दिमाग में उन्होंने निश्चय किया था कि लाइफ अभी एंड करना है, सुसाइड करना है। तो मैं जब गांव से, गुरुकुल से दूर जाके कहीं तो लाइफ अभी एंड करूंगा, ताकि किसी को पता ना चले, कोई मुझे बचाने भी ना आए। तो एक दिन ऐसे दोपहर के समय किसी को बिना बताए वो गुरुकुल से भाग गए। दूर दूर तक भागते गए, थक गए, फिर चलते बहुत दूर चले गए। चलते 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 एकदम ऐसे धूप बढ़ गई, प्यास भी लगने लगी। तो उन्होंने सामने कुआं देखा, कुएं के पास गए। चलो अभी इससे आगे तो मैं भाग नहीं सकता, इसी कुएं में अपनी जान दे देता हूँ, इसी कुएं में अभी मैं डूब के मर जाता हूँ, आसपास भी कोई नहीं है तो बचाने का भी कोई चांस नहीं है, तो चलो ये अच्छा मौका है कि मैं मेरी लाइफ अभी एंड करूंगा। प्यास लगी थी बहुत, चलो मरने से पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो वहीं पे एक रस्सी पड़ी थी, एक मोटी सी रस्सी जिस पे एक घड़ा बंधा था, वो रस्सी पड़ी थी। तो वो रस्सी को, जो घड़ा बांधा था, उस घड़े को उन्होंने कुएं में डाला, पानी ऊपर खींचने लगे। तो जैसे ही वो पानी ऊपर खींच रहे थे, वो रस्सी, वो कुएं का जो हम किनारा बोलते हैं, तो उससे घिस के वो रस्सी ऊपर आ रही थी।
उन्होंने देखा कि जहां से वो रस्सी घिस रही है वो किनारे को, वहां पे एक गड्ढा सा पड़ा है। उन्होंने देखा कि वो रस्सी की वजह से उस पत्थर पे, एक रस्सी का मार्क बोलेंगे हम, ऐसा गड्ढा सा पड़ा है। वो छोटे थे तब, तो बड़ी मेहनत से उन्होंने वो घड़ा बाहर निकाला, पानी पिया और वो सोचने लगे कि ये गड्ढा क्यों पड़ा, पत्थर पे गड्ढा कैसे पड़ा। तो तब उनके समझ में आया कि ये रस्सी रोज उस पत्थर पे घिसती है और उस पे इसलिए वो निशान बना है। वो पत्थर पे अगर रोज घिसने से अगर निशान बन सकता है, तो मैं तो इंसान हूं, भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, सोचने की ताकत सबसे ज्यादा मनुष्य में है। अगर मुझे ये अगर वरदान मिला है, तो क्यों ना मैं थोड़ी और कोशिश करूं। अगर मुझे एक बार समझ में नहीं आता, क्यों ना मैं 10 बार पढ़ूं, मैं जरूर कोशिश करूंगा। अगर ये पत्थर जिसमें जान नहीं है उस पे इतना निशान, इतना गाढ़ा निशान बन सकता है, तो मैं अगर मेरी पढ़ाई अगर मेरे दिमाग पे रोज घिसूं, तो क्यों नहीं मेरे दिमाग में जा सकती। तो ये सभी सोचने के बाद सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का विचार पूरा उनके दिमाग से बाहर चला गया। वो फिर से गुरुकुल में वापस आ गए। सभी चिंतित थे, बाण भट्ट कहाँ चले गए, गुरुजी भी चिंतित थे। तो उन्होंने जो भी प्रकार हुआ उन्होंने अपने दोस्तों को और गुरुजी को भी बताया। तो गुरुजी भी बहुत निराश हो गए, उनके दोस्त लोग भी बहुत शर्मिंदा हो गए। सभी ने उनसे क्षमा मांगी और फिर बाण भट्ट ने भी निर्णय लिया कि मैं नहीं, मैं अभी पूरी तरह से मेहनत करूंगा, थोड़ी मेहनत से काम नहीं बनता है तो मैं और मेहनत करूंगा। और इस दृढ़ निश्चय के बाद उसका नतीजा आगे जाके क्या हुआ ये सभी को मालूम है। उन्होंने बहुत से उपन्यास लिखे हैं संस्कृत में। संस्कृत लिटरेचर में बाण भट्ट नाम बहुत ही बड़ा है, बहुत आदर से लिया जाता है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि निराश मत हो जाइए। एक अटेम्प्ट में अगर फेल हुए, यहाँ पे लाइफ खत्म नहीं होती, लाइफ बहुत बड़ी है। वही एक चांस नहीं है, बहुत से रास्ते हैं। एक रास्ता अगर आपके लिए काम नहीं करता, दूसरा अच्छा रास्ता ढूंढिए। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान पेरेंट्स का होना चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट इसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए। बच्चों को विश्वास दीजिए कि अगर वो पढ़ाई में कमजोर है, अगर फेल भी हो जाते हैं, यही लाइफ नहीं है उनकी, यही पे लाइफ खत्म नहीं होती। पढ़ाई में फेल हुए, एक सब्जेक्ट में फेल हुए, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, आगे जाके पास हो सकते हैं। कोई और फील्ड में अगर वो अच्छे हैं तो उस फील्ड में उनको एनकरेज कीजिए। लेकिन ये बाण भट्ट की स्टोरी हमेशा याद रखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को भी सुनाइए और आप लोग भी याद रखिए। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि हम एजुकेशन फील्ड में बच्चों के विकास के लिए जो भी बन पाए वो हमारे चैनल के थ्रू हम कर रहे हैं। तो आपका योगदान, आपका सपोर्ट भी इसमें बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।